नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आ गया हूं दमदम में और आज मैं आप लोगों को यहां पे एक G+1 हाउस दिखाने वाला हूं जो कि 1.25 कट्ठा लैंड में बिल्टेड है। ये एग्जैक्टली पड़ता है आपका दमदम बेडिया पाड़ा। यहां से जो दमदम स्टेशन है वो आप लोगों को मात्र 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में मिल जाएगा और यहाँ से जो सीथीर मोड़ है वो भी आप लोगों को मात्र 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका हाउस का आउटर व्यू। आप देख सकते हैं ये एक G+1 हाउस है। इधर आप देख सकते हैं हाउस के सामने ही आप लोगों को एक मेडिकल शॉप मिल जा रहा है और इस तरफ ये है आपका 11 नंबर वार्ड का पार्टी ऑफिस। आप देख सकते हैं ये है हाउस का साइड का व्यू। तो ये है आपका इस हाउस का मेन एंट्रेंस। चलिए अंदर चलते हैं। ये है हाउस के बाहर का रास्ता, ये है यहाँ का कॉमन पैसेज और इधर पीछे थोड़ा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाच वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ भी काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को हाउस के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर जाने से पहले इसका जो एंट्रेंस है लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट एंट्रेंस आप लोगों को मिल जा रहा है और यहाँ बाहर आप देख सकते हैं आप लोगों को एक कॉलेप्सिबल गेट यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे जो मेन डोर आप लोगों को मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वुडन डोर आप लोगों को मिल जा रहा है जिसके ऊपर पॉलिश किया हुआ है। तो ये एक G+1 हाउस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जो कि 1.25 कट्ठा लैंड के ऊपर बिल्ट किया हुआ है और यहाँ पे नीचे का जो एरिया आप देख रहे हैं ये आप लोगों को 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिल जाएगा और ये एंट्रेंस के ठीक साथ 21x12 का एक काफ़ी स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग स्पेस और साथ में आप लोगों को एक ओपन किचन यहाँ पे मिल जा रहा है और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 21x12 का मिलेगा। इस किचन में आप देख सकते हैं जो स्लैब है आप लोगों को यहाँ पे ग्रेनाइट स्लैब मिल जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये किचन एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे किचन में कुछ भी काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे जो फ्लोरिंग आप लोगों को मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मार्बल फ्लोरिंग किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा स्टोर रूम आप लोगों को मिल जाएगा और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 8x7 का मिलेगा। इसको आप लोग चाहे तो मंदिर बना सकते हैं, स्टोर रूम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट वगैरह बनाया हुआ है सामान रखने के लिए और इसमें आप लोगों को 2 विंडो मिल जा रहा है। तो इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को ईस्ट फेसिंग मिल जाएगा और इधर आप लोगों को एक विंडो मिल जाएगा इसका नॉर्थ फेसिंग आप लोगों को मिल जा रहा है। जो फर्स्ट टॉयलेट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 9x4 का मिलेगा और इस वॉशरूम में जो फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीस्किड टाइल्स लगाया गया है। इस वॉशरूम में आप लोगों को एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारा इस हाउस का जो फर्स्ट बेडरूम है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 14x10 का एक फर्स्ट बेडरूम आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है जो कि काफ़ी स्पेसियस है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डोर है यहाँ पे वुडन डोर है इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। इस तरफ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना सामान आराम से रख सकते हैं और इस रूम में आप लोगों को 2 विंडो मिल जाएंगे। तो इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को नॉर्थ फेसिंग मिल जाएगा और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को वेस्ट फेसिंग मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारा इस हाउस का जो सेकेंड बेडरूम है और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 12x11 का एक सेकेंड बेडरूम आप लोगों को यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा टाइल्स लगा के यहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया हुआ है और इस रूम में आप लोगों को 2 विंडो मिल जाएगा। इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को वेस्ट फेसिंग मिल जा रहा है और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को साउथ फेसिंग मिल जा रहा है। जाने का स्टेयर्स है और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मार्बल फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इस हाउस के थोड़ा सा ऊपर।
सकते हैं ऊपर जाते वक्त आप लोगों को एक विंडो यहाँ भी मिल जाएगा, और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को वेस्ट फेसिंग मिल जा रहा है। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक काफ़ी बड़ा एक गेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो इससे अंदर आते ही आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस लिविंग स्पेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 15x10 का मिलेगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एकदम पेंट किया गया है, तो पेंट यहाँ पे आप लोगों को ऊपर भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर सीलिंग में आप देख सकते हैं, सीलिंग में भी यहाँ पे वुडन का काम किया हुआ है। इधर आप लोगों को एक वार्डरोब मिल जा रहा है छोटा सा लिविंग स्पेस में, और इस लिविंग स्पेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो विंडो आप लोगों को मिल जा रहा है। तो ये जो विंडो है इसका फेसिंग आप लोगों को ईस्ट फेसिंग मिलेगा, और ये जो विंडो है इसका फेसिंग आप लोगों को साउथ फेसिंग मिल जा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं आप लोगों को एक पैसेज मिल जा रहा है छोटा सा, और इस पैसेज का जो साइज़ है 11x4 का एक छोटा सा पैसेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को एक स्टैंड बेसिन मिल जा रहा है, और यहाँ पे वॉल में आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पे टाइल्स लगा के काम किया हुआ है। तो चलिए अब इस हाउस का हमारा जो सेकेंड टॉयलेट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 7x5 का एक सेकेंड टॉयलेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चलिए अब हमारा इस हाउस का जो थर्ड बेडरूम है और इसका जो साइज़ है तो 14x12 का एक काफ़ी बड़ा थर्ड बेडरूम आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वुडन डोर आप लोगों को मिल जाएगा जो कि पॉलिश किया हुआ है। और इस रूम में आप लोगों को यहाँ पे एक वार्डरोब मिल जा रहा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट है सामान रखने के लिए। और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को वेस्ट फेसिंग मिल जाएगा, इस विंडो का जो फेसिंग है वो आप लोगों को नॉर्थ फेसिंग मिल जाएगा। और इस रूम में आप देख सकते हैं एक स्टडी रूम आप लोग इसको बोल सकते हैं, और इसका जो साइज़ है तो 10x5 का एक स्टडी रूम यहाँ पे आप लोगों को मिल जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग में आप लोगों को मार्बल फ्लोरिंग मिल जा रहा है, और इस तरफ आप देख सकते हैं आप लोगों को एक कैबिनेट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, और आप लोगों को छोटा सा टेम्पल एरिया मिल जा रहा है, और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 8x6 का मिलेगा। तो चलिए अब इस हाउस का जो हमारा फोर्थ बेडरूम है और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 12x12 का मिल जाएगा। इस हाउस में आप देख सकते हैं सब जगह यहाँ पे वुडन डोर लगा के बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, और आप देख सकते हैं सामने इधर एक विंडो है, और इस विंडो का जो फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग मिल जाएगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट का काम किया हुआ है, और इस तरफ आप लोगों को एक विंडो मिल जाएगा जो कि साउथ फेसिंग है, और इधर भी नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट का काम किया हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया एक फोर बेडरूम हाउस आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं आप लोगों को एक बैल्कनी भी मिल जाएगा, और इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को 10x4 का एक बैल्कनी आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, और इस बैल्कनी का जो फेसिंग है साउथ फेसिंग मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फेसिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कवर्ड है, तो यहाँ पे टोटली सेफ्टी रहेगा। और इस बैल्कनी से आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम मेन रोड आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस रास्ते का जो नाम है वो आर्यन टैगोर रोड है, तो एकदम रोड साइड हाउस आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को टेरेस के ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये है टेरेस का एंट्रेंस, हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेरेस पे रूफ़ ट्रीटमेंट का काम यहाँ पे किया हुआ है सीमेंट डाल के। इस तरफ भी आप लोगों को यहाँ पे एक तुलसी पौधा लगाने के लिए जगह है, और आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ऊपर एक और फ्लोर बनाने का परमिशन है। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बढ़िया एक हाउस मैंने अभी दिखाया जो कि अंदर से एकदम पूरा फर्स्ट क्लास रेडी है। आप लोगों को ये हाउस अगर पसंद आता है और आप लोग अगर अपना साइट विज़िट बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपना साइट विज़िट बुकिंग कर सकते हैं। 2.25 कट्ठा एरिया का ये हाउस आप लोगों को मात्र 1,10,00,000 रुपये में यहाँ पर मिल जा रहा है,
जो कि दमदम जैसे एरिया में काफ़ी रिजनेबल रेट में आप लोगों को मिल रहा है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी नए लोकेशन पे किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।